सर सत श्रीकाल नमस्ते आदाब तुसी किदां हो जनाब आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो हुआ क्या है कि रास्ते में चलते चलते मूड बन गया एक फ़ोन खरीदने का, तो मैं अपनी वाइफ को ये वाला फ़ोन खरीदवा दिया। तो व्लॉग बनाने का तो कोई मूड नहीं था, सोचा चलो व्लॉग ही बना लें, आप लोगों को दिखा दें नया फ़ोन। वाइफ नहीं देखी ना किसी ने मेरी अभी तक, रही वाइफ ये रखी है। अभी छुपा के रखी हुई थी, मैं टाइम आएगा दिखाने का, तो आज दिखा दिया आप लोगों को। ये लो जी गिफ्ट है आपका, तो इनको मैंने दे दिया है फोन का गिफ्ट। बेटी की हमने पहली बार देखी, मेरी नहीं बेटी तो देखी हुई सर, हम तो जिन्होंने श्रीनगर वाले टूर देखे मेरे, तो हिमाचल वाले देखे, तो बेटी मेरी देखी हुई थी। ये भी देखा होगा, टर्बन बॉय पतंग बनाए उड़ाते, नहीं सारे ने देखा है, ऑलमोस्ट सब ने देख रखा अपनी फैमिली को। जो 15 अगस्त वाला व्लॉग है सब लोग उसमें फैमिली थी। ये वाला फ़ोन है और ये लीजिए मैडम आपका फ़ोन, खोल दो उन्हें दे कपड़े। लो जी ये रहा खूबसूरत फोन, खूबसूरत लेडी की। तो फोन हमने ले लिया है नया, वाइफ का भी चार्जिंग पे लगा रखा है पावर बैंक से, और अभी लग रही है बहुत तगड़ी वाली भूख, तो कुछ खाते हैं गाइस, क्या खाएंगे कुछ स्पेशल। तो ये है हमारी स्पेशल आइटम अमृतसरी कुलचे, दिल्ली में हमने ढूंढ लिए कहाँ पर मिलते हैं, बता ही देता हूँ। ये रहा तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, ये रहा तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, और तिलक नगर के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल वहाँ पे बैठ के अपन खा रहे हैं अमृतसरी कुलचे। तो मेरी इनकी दुकान अमृतसरी एक्सप्रेस, वो देख लो आप, तो यहाँ पे आके कुलचे खा के जाना, बड़े ही मस्त है। तो अभी अपन पकड़ते हैं मेट्रो, मेट्रो से जाएंगे, दिखा देते हैं कहाँ जा रहे हैं, और बता ही देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं गोवा घूमने के लिए, भाग बैठे मजाक कर रहा हूँ, मेट्रो से गोवा चल पड़ते हैं। चलिए देख लेना गाइस, आपको दिखाते हैं एक अच्छी सी चीज। चले मेट्रो पकड़ते हैं, मेट्रो का बीच में ब्लॉग नहीं दिखाने वाला, मेट्रो से सीधा वहाँ पे मिलेंगे जहाँ हम जाने वाले हैं। मेट्रो से बाहर निकलते दिखाएंगे, अंदर घुसते हुए नहीं दिखाएंगे। उसका कारण ये है कि मेट्रो मैंने आपको बहुत बार दिखा दी, और अभी जा रहे हैं हम मेट्रो के अंदर। ये और मेट्रो से निकल आए हैं बाहर, उससे दिखाया था सीधा बाहर निकलते हुए दिखा रहे हैं, शोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और हम आ गए हैं गाइस चांदनी चौक, और चांदनी चौक क्या करने हैं आप लोगों को दिखाएंगे दिल्ली का मेला, दिल्ली में मेला कैसे होता है। और वो रही अपनी फैमिली बहुत ही दूर चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन से, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे ना वैष्णो माता की याद आ जाती है। तो ये ना जो टीन लगी हुई ना, ये जो डिज़ाइन है पूरा ऐसे लगता है कि वैष्णो माता, हाँ तो की क्या हाँ तो वैष्णो माता जैसी फील आ रही है यहाँ पे। और मैं ढूंढ रहा था अपनी बेटी को, और ये BTS फैन देखो, BTS का पोस्टर, ये BTS की बहुत बड़ी फैन है, और ये इसने BTS का पोस्टर लिया, बड़े बड़े दीवाने BTS के। नहीं ना ये मेट्रो से बाहर निकलते वक्त ना रास्ता जो बहुत ही ज़्यादा तंग है, तो रास्ते में भीड़ भड़के से निकल के आ गए हैं, और चांदनी चौक में आए हों तो गुरु जी के दर्शन ना किए जाए तो ये हो नहीं सकता। तो ये रहा सामने शीशगंज साहब गुरुद्वारा, तो सबसे पहले गुरुद्वारा साहब में माथा टेकेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेने के बाद फिर देखेंगे मेला, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं अब गुरुद्वारा साहब। अंदर तो जो लोग चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज साहब में पहले नहीं आए, तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये जोड़े घर, यहाँ पे आप अपने जूते जो मतलब जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं, पंजाबी में जोड़े घर बोल देते हैं, जैसे कि वो लिखा है ना पंजाबी में लिखा हुआ जोड़ा घर, जोड़ा मीन्स इन दोनों को मिला के जोड़ा बन जाता है। तो फैमिली आ चुकी है, अभी जोड़े जमा करवाएंगे यहाँ पे,
और जोड़ा जमा करवाने की सेवा मिस्टर टर्बन बॉय, वैसे नाम तो इसका हरविंदर सिंह है। टर्बन बॉय जो है इसका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब जो ब्लॉग बनाना मुझे इसी ने सिखाया। मुझे उतना नहीं आता था पहले ब्लॉग बनाना, क्योंकि मैं मीडिया का टीवी का बंदा हूँ, तो टीवी फिल्म में उतना मतलब ब्लॉग एक ना डिफरेंट चीज़ है, कहने का मतलब ये है। दर्शन करके हम हो गए हैं निहालो निहाल, जो कि बहुत साल पहले मैंने व्लॉग बनाया था इसी एरिया का, तो तब ये बन रहा था। तो अब देखिए वो सामने लाल किला क्लियर नज़र आता, पहले नहीं आता था क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता था, पोल्यूशन इतना रहता था। अब सिर्फ रिक्शा है, ये पोल्यूशन करते नहीं है। तो एक चीज़ और नहीं मेरे लिए है देखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, एक तो ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। चलो बैरिकेटिंग तो ठीक है, वो देखिए गेट लगा दिए गए हैं। ये वही रोड है चांदनी चौक वाली जो पहले लाल किले से इधर आती थी, लेकिन पहले क्या ना गेट नहीं थे। मैं पास जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अभी पास से, पहले ये गेट नहीं हुआ करते थे। तो अब आने के लिए बस इतनी सी जगह है, रिक्शे ऑलरेडी अंदर हैं ही। ये एंट्री है और ये है एग्ज़िट, ये देखो महान आदमी एंट्री से एग्ज़िट कर रहा है। तो ये लग गए हैं गेट, तो ये रहा लाल किला और वो लगा हुआ मेला सामने। और हम दिखाने लाए हैं आपको दिल्ली का मेला, यहाँ रामलीला भी बहुत बड़े स्तर पर लगती है। और दिखाता हूँ अभी यहाँ से एक व्यू छोटा सा, वो देखिए एक झूला, दो झूला और वो रहा तीन झूला। आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये रहा दिल्ली का ट्रैफिक, जो बहुत ही फेमस है मेरे व्लॉगों में, दिल्ली का ट्रैफिक। तो इस दिल्ली की ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम लोग अभी जाएंगे मेला देखने के लिए। वो रहा सामने लाल किला। ट्रैफिक क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल दिल्ली में ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो 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 चलो, बस रोकी और हम लोग ये निकल आए। एक बाई चांस की बात होती है हम लोग निकले, अभी एंटर करेंगे हम लाल किला की तरफ, देखते हैं अंदर का टिकट मिलती है नहीं मिलती है। आपको लाल किला भी दिखाएंगे, नहीं तो फिर मेला तो घुमाना ही है आपको। और ये लगा हुआ है जी मेला लाल किले के बिल्कुल बाहर, और यहाँ पे लगी हुई है रामलीला, लेकिन ये है वीआईपी गेट। तो मेले के कारण पता नहीं लाल किले की एंट्री बंद ना हो, अभी देखते हैं। और आप ना भीड़ देखो गाइस, तो गाइस यहाँ तक का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर जरूर करो। अगर मेला देखना है या लाल किला देखना है तो चैनल को देखते रहना पड़ेगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय। मुसाफिर हो यारों।